हेलो व्यूअर्स, आज हमारी रेसिपी है मटन करी। इसके लिए सामग्री है, कुछ खड़े मसाले लिए हमने, जैसे तेजपत्ता, जीरा, मरीच, लाल मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी। हमने यहाँ चार मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट लिया है और पांच छह हरी मिर्च लिए है, 50 ग्राम लहसुन है और अदरक का पेस्ट है। हमने मसाले लिए हैं एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, दो चम्मच मटन मसाला, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। खड़े मसाले को भून लेंगे और उसको दरदरा पीस लेंगे। हमने यहाँ 1 किलो मटन लिया है। अब एक हंडी को हम अच्छी तरह से गर्म करेंगे, उसमें 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल गर्म करेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हल्का लाल करेंगे। प्याज हमारा हल्का लाल हो गया है, अब हम इसमें मटन डालेंगे। मटन और प्याज को हम 5 मिनट तेज आंच पे भूनेंगे। हमारा मटन भुन गया है, अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, लहसुन, नमक स्वाद अनुसार, आधी छोटी चम्मच हल्दी। अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे। आंच धीमी करके 5 से 10 मिनट के लिए ढक देंगे। प्याज हमारा पानी छोड़ दिया है, अब हम प्याज के पानी में ही मटन को धीरे धीरे भूनेंगे। प्याज हमारा गल गया, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच मटन मसाला। अब हम इन सबको अच्छी तरह से भूनेंगे। हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं, अब हम इसमें जो दरदरा मसाला पीसे थे उसको डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिलाएंगे इसमें। हमारा मटन अच्छी तरह से भुन गया है, प्याज भी अच्छी तरह से गल गया है। हम इसमें पानी मिलाएंगे, पानी हम अपने अनुसार रख सकते हैं, जैसे हमें ग्रेवी चाहिए। हमने यहाँ 3 कप पानी मिलाया है। ग्रेवी उबलने लगा है, अब हम इसे ढककर धीमी आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा मटन करी तैयार है, अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे।